नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने आज अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की, जहां कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया और जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई कर निपटारा करने को कहा। अग्निपथ भर्ती में जाति प्रमाण पत्र की मांग पर विपक्ष ने उठाए सवाल, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ये सिर्फ एक अफवाह है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने आज कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य विपक्षी नेताओं के उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेना के जवान केवल तभी विकलांग पेंशन के हकदार होंगे जब सैन्य सेवा के कारण विकलांगता हुई हो या इस तरह की सेवा से और बढ़ गई हो। आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन देन के लिए आरंभ करने का निर्णय लिया। इससे विदेशों में भी रुपए में भुगतान करना मान्य होगा। अभी तक रुपए के माध्यम से व्यापार केवल रूस और कुछ पड़ोसी देशों में ही होता रहा है। उत्तर प्रदेश में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के फर्जीवाड़े पर रोक लग सकती है, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदेश में अब लर्निंग लाइसेंस सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया से ही बनेगी। नुपुर शर्मा को लेकर हुआ विवाद बिहार के सीतामढ़ी भी पहुंच गया है, जहां एक युवक को मोबाइल में नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाकर देखने पर विशेष समुदाय के दोस्त ने ही चाकुओं से गोंद डाला। उधर नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां कोर्ट ने 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हरियाणा के नूह जिले में खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पर डंफर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जहां राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने आरोपी खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के देहरादून में भर्तियों में अनियमितता व भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कांग्रेस ने सचिवालय पर प्रदर्शन की कोशिश की, जहाँ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार चहेतों को दे रही है नौकरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा आज ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां साहेबगंज के बरहरवा के बहुचर्चित टेंडर विवाद मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उससे पूछताछ की गई। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव के पत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि उनको पत्र सार्वजनिक नहीं करना था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करके सभी मुद्दों पर चर्चा करनी थी, क्योंकि विपक्ष को इस कारण बोलने का मौका मिल गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस पुलिस आरक्षकों को उनकी पसंद के अनुरूप पदस्थापना नहीं दिए जाने के रवैये को चुनौती संबंधी याचिका पर जवाब तलब किया। इस सिलसिले में गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस उप महानिरीक्षक चयन के अलावा व्यापम को नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं एवं बच्चों की सहायता और सुरक्षा के लिए वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लॉन्च किया, जिसे मुख्यमंत्री ने शिमला में लॉन्च किया। जम्मू के रामबन जिले में संपर्क मार्ग मरम्मत नहीं होने से नाराज एक ब्लॉक के विकास परिषद चेयरमैन और पंचायती राज संस्थान के 22 सदस्यों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने अपना इस्तीफा जिला मजिस्ट्रेट को भेजा है। वहीं यह मामला तुल पकड़ लिया है और जम्मू सरकार के लिए शर्म की बात बन गई है। कोलकाता के सिंथी इलाके के डाकघर के पूर्व पोस्टमास्टर को ग्राहकों के 5 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया, अब उनसे पूछताछ की जा रही है। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना को आज लग सकता है बड़ा झटका, जहां एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में 18 सांसदों के साथ होने का दावा किया। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और राजस्थान के विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने आगामी गुजरात चुनाव में 182 में से 125 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने का दावा किया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और राजस्थान के विधायक हरीश चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि राजस्थान में ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ सरकारी भर्तियों में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाना खाने के बाद एक चम्मच अजवाइन को गर्म पानी में काले नमक के साथ सेवन करने से गैस की समस्या खत्म हो जाती है।
सिटीजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में प्रोविजनरी ऑफिसर और प्रोविजनरी असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट citizencreditbank.com पर 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दिन भर की बड़ी खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।